क्लास सेवन्थ लेसन टू द स्टोरी ऑफ कुंजम्मा। कुंजम्मा वॉज बॉर्न ऑन 16 September 1916 इन द टेम्पल टाउन ऑफ मदुरई इन तमिलनाडु। हर मदर शानमुगावनु डिबू वॉज ए आउटस्टैंडिंग वीणा प्लेयर। और उनका लिटिल कुंजम्मा कौन थी? कुंजम्मा, आपने संगीत की दुनिया में MS सुब्बुलक्ष्मी का नाम सुना होगा, उनका निक नेम था कुंजम्मा। उनका जन्म मंदिरों की नगरी मदुरई में तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मदर एक बहुत महान वीणा वादिका थी। और उनका छोटा सा घर जो था वो मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में का जो फेमस टेम्पल है वहाँ पर था। छोटी सी जो लड़की थी कुंजम्मा, उनके कभी भी फॉर्मल लेसन्स नहीं हुए। वो मंदिर के आसपास होने के कारण वहाँ के नाद स्वर जो थे वो उनको आगे बढ़ने में, मतलब उस संगीत में रस लेने में मजबूर करते थे। और वह अक्सर उनके साथ ही गुनगुनाती थी और अपनी माँ के वीणा बजाने पर उनके शब्दों उसमें शब्द अपने जोड़ती थी। और जब जब वहाँ से कोई धार्मिक गतिविधि होती थी मंदिर में या कोई ऐसा प्रोसेशन निकलता था तो कुंजम्मा अपने आपको वहाँ गाती हुई मिलती थी। और धीरे धीरे उसका ये लगाव जो था अपनी मदर के साथ और वीणा के साथ अपने आप ही जुड़ता चला गया। कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग ना लेने पर भी उनके अंदर ही ये एक ऐसी, मतलब सुंदर कृति थी, अपने अंदर ही उनको भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट था कि उनका स्वर जो था वो बहुत ही सुंदर था। और वो धीरे धीरे क्या करती थी कि कोई भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड लेके रख लेती थी और उसके सामने एक कोई भी कागज़ का टुकड़ा लेके उसे गोल करके सुनाती थी। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे उनको बढ़ावा दे रही थी, संगीत की तरफ बढ़ने को मजबूर कर रही थी। एक बार उनकी मदर कोई स्टेज पे कंसर्ट दे रही थी और वीणा रिसाइटल था उनका, तो वो मदर जो थी उनकी, वो किसी ने उन्हें वहाँ से उठाया जबकि वो मिट्टी में खेल रही थी और ले जाकर उनकी मदर के पास बिठा दिया। उनकी मदर के इंसिस्ट करने पे जब उन्होंने वहाँ पर 2 या 3 गाने गाए तो ये उनकी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस थी। इसके साथ साथ उनको अब उनकी और उनकी मदर की एक सुंदर जोड़ी बन गई और वो एम सुब्बुलक्ष्मी के नाम से मशहूर हुई। और जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी शादी सदाशिव नाम के एक व्यक्ति से की गई जो सी राजगोपालाचारी के असिस्टेंट थे। धीरे धीरे जब उन्होंने अपने, मतलब करीब 30 से ज़्यादा कंसर्ट जो थे वो कर लिए थे तो उन्होंने फिल्म में एंट्री की, पर फिल्म की एंट्री जो थी वो उनको रास नहीं आई। 4 फिल्में उन्होंने की लेकिन फिल्म की कोई भी, चारों में से उनकी कोई भी फिल्म जो थी वो बहुत ज़्यादा जानी मानी नहीं रही क्योंकि वह स्क्रीन के सामने अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती थी और वो वहाँ पर, मतलब अच्छी तरह से एक्ट नहीं कर पाती थी। म्यूज़िक के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया और 1945 में उनकी फिल्म भक्त मीरा रिलीज़ हुई जो उनकी आखिरी फिल्म थी। और इससे इस फिल्म ने उनकी स्टेज पे एज ए सिंगर जो थी वो बहुत बहुत फेम दिलवाया और उन्होंने वहाँ पर उनके भजन्स गाए। इसके बाद उन्होंने, वह गांधी जी के संपर्क में आई और उन्होंने गांधी जी को वैष्णव जन तो तेने कहिए वाला जब भजन सुनाया तो गांधी जी की आंखें जो थी वो आंसुओं से भर आईं। इसी प्रकार एक बार नेहरू जी ने भी उनके रिसाइटल को प्रिसाइड किया, तब उन्होंने, नेहरू जी ने कहा कि मैं क्या हूँ,
मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन आज मैं स्वर की रानी के आगे नतमस्तक हूँ। और इसी तरह से उन वह एक टिपिकल ग्रैंड मदर और मदर की फ्रेम में भी बहुत अच्छी तरह से फिट होती थी। धीरे 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 उनका कई दूसरे देशों में भी नाम जो था वो बढ़ता गया। और उन्होंने अपनी जब उन्हें रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला तो सुब्बलक्ष्मी ने कहा कि इंडियन म्यूज़िक जो है वो हमारे दिल से आत्मा से निकलता है। अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाई इसमें तो केवल गाने से, अगर मेरे गाने से लोगों को शांति मिलती है और उन्हें तसल्ली मिलती है, शक्ति मिलती है, तो क्या है ये। म्यूज़िक एक ऐसा स्रोत है जिससे हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। थैंक यू।